that fifth. Today we will learn exercise of chapter 4 of computer, filling the blanks by selecting the correct words from those given brackets. हमें ये blanks fill करनी है, यहाँ पे जो brackets दिए गए हैं उसमें से words select करके. All the computer devices is called, computer devices को क्या कहते हैं? Hardware. A series of program that is used to run a computer is called, जो प्रोग्राम की सीरीज होती है जो कंप्यूटर में रन होती है इसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑल फैक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. पिक्चर एंड सिंबल्स प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर आर कॉल्ड, जो पिक्चर्स और सिंबल्स कंप्यूटर में प्रोड्यूस होते हैं इसे क्या कहते हैं? ग्राफिक्स. द सीपीयू कंट्रोल्स एंटायर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. CPU. Sixth, Windows is a very popular operating system. Windows है वो popular operating system है. Seventh, the main screen of Windows is called Windows की main screen होती है उसे क्या कहते हैं? Desktop. The small picture on the desktop are called, जो desktop पर small pictures होती है उसे क्या कहते हैं? Icons. The bar at the bottom of the desktop, जो डेस्कटॉप के नीचे बार होते हैं उसे क्या कहते हैं? टास्क बार. टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार यू कैन सी द स्टार्ट बटन. लेफ्ट टास्क बार में लेफ्ट साइड पर क्या होता है? स्टार्ट बटन. इफ यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यू विल सी स्टार्ट मेनू. जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? स्टार्ट मेनू ओपन होता है. अ लिस्ट ऑफ टूल्स और कमांड्स इज कॉल्ड, जो कमांड और टूल्स का लिस्ट होता है इसे क्या कहते हैं? मेनू. The action of pressing and releasing a mouse button is called clicking. The quickly press a button twice is called double clicking. Then the action of holding down a mouse button then moving the mouse is called dragging. The small arrow on the screen is called, जो small arrow होता है screen पर उसे क्या कहते हैं? Mouse pointer. Whenever you open a program, window will show its icon button on the, जो आइकन बटन होता है वो कहाँ पे होता है? तो कि डेस्कटॉप पर. ऑल प्रोग्राम्स कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स इन योर कंप्यूटर. क्लिक ऑन शट डाउन टू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर. कंप्यूटर टर्न ऑफ करने के लिए कौन सा बटन होता है? शट डाउन. ऑन द टास्क बार दिस इमेज शोज द बैटरी लेवल, दिखाता है. देन मैच द फॉलोइंग, हम अब मैच करेंगे कंप्यूटर डिवाइसेस. तो वो क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं. कंप्यूटर प्रोग्राम्स तो वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम तो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज़ उसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप. बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप उसे क्या कहते हैं? टास्क बार. देन नेम ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट जो है वो कौन सी इमेज है? बैटरी लेवल की. देन सेकेंड है वो क्या है? ये देखिए, ये क्या है? स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन. देन थर्ड है वो है क्या है? ये देखिए, ये क्या है? वॉल्यूम बटन. देन अब हम करेंगे चैप्टर फिफ्थ, वर्ड. वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. वर्ड क्या है? तो वो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है. इट हैज़ अ मोर फीचर्स देन नोटपैड एंड वर्डपैड. वर्ड में है जो वर्ड है उसमें नोटपैड और वर्डपैड से ज़्यादा फीचर होते हैं. इट कैन बी यूज टू राइट एनी थिंग, स्मॉल पैराग्राफ, लेटर, लिस्ट और इवन लॉन्ग डॉक्यूमेंट. इसमें हम कुछ भी राइट कर सकते हैं. यू कैन एडिट द डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो गिव अ वेराइटी ऑफ लेआउट टू इट. हम इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं और लेआउट एड भी कर सकते हैं. वर्ड अलाउज यू टू डिसाइड द पेज लेआउट, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड पैराग्राफ एंड अलाइनमेंट. वर्ड जो है वो हमें पेज लेआउट, फॉन्ट, फॉन्ट साइज ये सब कुछ डिसाइड करने का अलाउ करता है. बिसाइड्स वर्ड ऑल्सो हैज़ द स्पेशल फीचर्स टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड इंसर्ट अ पिक्चर इन टू अ डॉक्यूमेंट. वर्ड में एक स्पेशल फीचर्स क्या है? तो हम इसमें ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और हम उसमें डॉक्यूमेंट में पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं और फिर डॉक्यूमेंट का प्रिंटिंग भी
प्रीव्यू जो है, प्रिंटिंग जो करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट उसका, हम उसे हम पहले देख भी सकते हैं। देन स्टार्ट वर्ड, अब हम वर्ड कैसे स्टार्ट करेंगे ये देखते हैं। स्विच ऑन द कंप्यूटर, पहले हम कंप्यूटर स्विच ऑन करेंगे, फिर हम यहाँ पे जो स्टार्ट मेनू है वो करेंगे, उसमें से ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में से हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। ऐसे और फिर क्लिक करने से ऐसे हमारी विंडोज स्क्रीन दिखाई देगी। ये देखिए ये हमारी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है। देन उसमें क्या है, टाइटल बार, टाइटल बार में क्या होता है, तो इन द सेंटर ऑफ द टाइटल बार यू कैन सी द नेम ऑफ द प्रोग्राम डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देन यू कैन सी द ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड क्लिक ऑन दिस ओपन सेव प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। द क्विक एक्सेस टूल बार हैज लाइक सेव, रीडू, न्यू, स्पेलिंग ग्रामर, अनडू, यूज्ड मेनी टाइम्स इन वर्ड्स। ऑन द राइट हैंड कॉर्नर यू कैन सी थ्री बटन्स, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके टाइटल, ये फर्स्ट जो बार है उसे हम टाइटल बार कहेंगे। इसमें मिडल में देखिए टाइटल बार में डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। देन लेफ्ट साइड पे यहाँ पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है, तो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है। देन फिर यहाँ पे देखिए सेव, अनडू और रीडू बटन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होते हैं। कई टाइम्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होते हैं। देन यहाँ पे राइट साइड पे मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज, ये थ्री बटन्स है। अब हम इन थ्री बटन्स के बारे में देखेंगे। मिनिमाइज, तो मिनिमाइज से क्या होता है, मिनिमाइज करने से ये हमारी स्क्रीन होती है जो वो डिसअपियर हो जाती है। और फिर यहाँ पे देखिए टास्क बार पर यहाँ पे हमारा आइकन आ जाता है, ये देखिए मिनिमाइज, डिसअपियर फ्रॉम द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर से हमने देखी कि वो स्क्रीन डिसअपियर हो गई और फिर उसका आइकन बटन टास्क बार पर आया। फिर हम टास्क, फिर से विंडो हमें देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस आइकन बटन पर फिर से टास्क बार में जो आइकन बटन है उस पर फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से ये विंडो शो हो जाएगी। देन क्या है, क्लिक ऑन रिस्टोर डाउन, तो रिस्टोर डाउन पर क्लिक करके देखते हैं क्या होगी, तो ये हमारी जो विंडो है वो स्मॉल हो जाएंगी और जो ये रिस्टोर डाउन का बटन है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिर से हमें रेगुलर, फिर से हमें उस साइज में देखने के लिए यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए क्लिक करके ही हमारी ये जो है वो फिर से साइज बिग हो गई। ये देखिए रिस्टोर डाउन टू चेंजेस टू रिस्टोर डाउन द वर्ड विंडो बिकम स्मॉलर, स्मॉल हो गई जैसे हमने देखा। इन द स्मॉलर विंडो, ये जो रिस्टोर डाउन का बटन है वो देखिए हमारा ऐसे हो गया था, मैक्सिमाइज हो गया था। देन फिर से मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करते ही हमारी वो जो विंडो है वो ओरिजिनल साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। देन क्लोज, क्लोज से क्या होगा, हमारी विंडो ऐसे क्लोज हो जाएगी, वर्ड की विंडो। देन क्या होगा, मेनू बार, मेनू बार में क्या आएगा, ये देखिए मेनू बार में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब है वो हमारे मेनू बार में आएगा। और यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हेल्प बटन होगा, इससे हम कोई भी हेल्प ले सकते हैं। और देखिए
यहाँ पे मेनू बार के नीचे यहाँ पे एक रिबन होगी, जो जब हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी फीचर्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। फिर होम बटन पर क्लिक करेंगे तो एक रिबन शो होगी और होम बटन में जो भी फीचर्स होंगे वो यहाँ पर रिबन में दिखाई देंगे। देन जब हम फॉर एग्जाम्पल क्लिक ऑन द होम टैब, द रिबन बिलो डिस्प्ले टूल द हेल्प यू टू सिलेक्ट फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कट, कॉपी पेस्ट एंड सिलेक्टेड टेक्स्ट, देन फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। अब देखिए जब हम होम बटन पर होंगे तो देखिए यहाँ पे कट, कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट टेक्स्ट ये सब कुछ यहाँ पे, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज ये सब कुछ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया किसे कहते हैं, जो ये वाइट एरिया है उसे हम हमारा टेक्स्ट एरिया कहेंगे, जहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। देन द स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट यू सी इन द टेक्स्ट एरिया इज कॉल्ड कर्सर, जो यहाँ पे देखिए स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दिख रही है आपको, उसे हम क्या कहेंगे, कर्सर कहेंगे। देन वेन यू मूव द माउस पॉइंटर इन टू द टेक्स्ट एरिया एरो चेंजेस टू लुक लाइक आई। देखिए अब हम जब ये हमारा अभी माउस पॉइंटर है उसे हम टेक्स्ट एरिया में ले जाएंगे तो क्या हो गया, हमारा आई में कन्वर्ट हो गया, माउस कर्सर है वो। देन स्टेटस बार, इट डिस्प्लेज द करंट स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक द पेजेस, पेजेस नंबर्स, वर्ड काउंट, जूम लेवल एक्सेट्रा। जब हम डॉक्यूमेंट ये देखिए स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या दिखाता है, तो पेजेस नंबर्स, हम किस डॉक्यूमेंट पर करंट, किस डॉक्यूमेंट पर, किस पेज पर है वो दिखाता है। यहाँ पे जूम इन जूम आउट देखिए ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये सब यहाँ पे होता है। देन अब हम क्या करेंगे, वर्किंग इन वर्ड, वर्ड में कैसे वर्क करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट फॉन्ट, फॉन्ट साइज, यहाँ से हम फॉन्ट कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी साइज सिलेक्ट करेंगे। देन स्टार्ट वर्ड ऑन द मेनू बार, होम टैब इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, ये देखिए हमारी होम टैब होगी वो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही होगी। फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट इन फॉन्ट ग्रुप कैलिब्री इज द सिलेक्शन डिफॉल्ट एंड ड्रॉप डाउन। फिर देखिए हम यहाँ पे जो फॉन्ट नेम है वहाँ पे ये कैलिब्री है वो डिफॉल्ट है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स हमें ड्रॉप डाउन मेनू में दिखाई देगी। देन यहाँ पे फॉन्ट साइज 11 जो है वो डिफॉल्ट है। फिर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू है उसमें हम कोई भी साइज सिलेक्ट करके लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दिया है वैसे। फिर हम यहाँ पे स्क्रॉल अप, यहाँ पे जो स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ पे कोई भी फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकते हैं और फॉन्ट नेम्स देख सकते हैं। देन यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाके भी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके कोई भी फॉन्ट नेम्स देख सकते हैं। देन क्या है जो अब हम ये कुछ लाइंस टाइप करेंगे, ये देखिए अब हम है द टाइगर, द टाइगर ये हमने लिखा। आपको ये पैराग्राफ पूरा अपने आपके जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तब आपको लिखना है। इफ़ यू क्लिक ऑन क्लोज ऑन द टाइटल बार यू विल सी अ डायलॉग बॉक्स। जब हम ये लिखने के बाद जब हम ये क्लोज पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसमें जब हम यस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट हम सेव कर सकते हैं, और फिर जब नो पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट ये जो हमने टाइप किया है वो सेव नहीं होगा और ऐसे ही सेव किए बिना ही क्लोज हो जाएगा, और यस पर क्लिक करने से
हमारा डॉक्यूमेंट सेव होने के बाद क्लोज होगा। देन क्या है, सेव अ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट कैसे सेव करते हैं वो हम देखते हैं। हम डॉक्यूमेंट दो तरह से सेव कर सकते हैं। देखिए ये ऑफिस बटन है, उसमें उस पर क्लिक करने से यहाँ पे एक सेव ऑप्शन आएगा, उससे हम डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए सेव ऑप्शन है, उससे भी हम सेव कर सकते हैं। देन जब हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक हमें डायलॉग बॉक्स, सेव एज का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उसमें हम कहाँ पे हो गए, वो हमारा कहाँ पे सेव होगा, डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होगा। अब हम वहाँ पे जो फाइल नेम टेक्स्ट होगा वो हमारा डिफ़ॉल्ट होगा। देखिए हम देखते हैं, अब हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखिए फाइल नेम में टाइगर, द टाइगर ऐसा हमारा डॉक्यूमेंट आया। अब हम सेव पर क्लिक करने से हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और टाइटल बार में देखिए ये द टाइगर ऐसा नेम आया हमारा डॉक्यूमेंट वन की जगह पर। ये देखिए इससे हमारा चेंज हो जाएगा। देन अब क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट क्लोज करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। देन अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि हम डॉक्यूमेंट कैसे ओपन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू।